वाला सभी दर्शकान मारी ओर से नमस्कार और आपकी लारा मूछो निशा अब खबरा हाड़ोती सु बोरखेड़ा इलाका का बसंत विहार में एक फार्म हाउस से चोरा ने 30 बकरा बकरी चुरा लिया। शातिर चोरा ने पहली फार्म हाउस का चौकीदार कताई ताला में बंद करो। उसके बाद फार्म से 3 लाख कीमत का बकरा बकरी खुद की गाड़ी में भर ले गया। आवाज सुन चौकीदार उठायो तो कमरा का दरवाजा न खुल पाया। चौकीदार ने कुराड़ी से दरवाजा तोड़ो जहाँ तई चोर भाग छूटिया। फार्म हाउस का मालिक ने बोरखेड़ा थाना में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस चोरा की तलाश में जुट गई। गई रात को कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसमें 28-29 बकरी बकरा को लेकर चले गया है और इसमें हाल ही मौजूद था। इसकी कुंडी लगा दी बाहर से, तो सुबह इसको मालूम पड़ा था कुंडी बाहर से लगी हुई थी, तो सेठ को बताया। सेठ मौके पर आया तो उसने रिपोर्ट दी है। यूरेज मंत्री शांति धारीवाल 2 दिन का दौरा पर कोटा पहुंचा जहां वहां जकेलोन अस्पताल को दौरो करियो और डॉक्टर कताई निर्देश दिया। कन्नौजता की मौत पर सरकार गंभीर छ, हर सूरत में यो मौत रुक बचाइए। मंत्री धारीवाल का दौरा कताई देखता हुआ अस्पताल प्रशासन अलर्ट पर रियो। कोटा का युवा कलेक्टर ओम कसेरा ने युवा दिवस का मौका पर एसटीएन से बातचीत करी। कलेक्टर कसेरा ने की युवा लक्ष्य निर्धारित कर काम कर तो वह जीवन में कभी भी असफल न होगा। एक टाइम पर वक्त आई भी 8,000 की नौकरी भी न मिल रही थी, पर वहां लक्ष्य निर्धारित करियो और आज सबसे ऊंचा पद पर छ। आपके माध्यम से सभी युवाओं को मेरी ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। युवा हम कह सकते हैं कि कोटा एक तरह से पूरे देश का युवा शहर अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो वो कोटा है। सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पे रहता है, पूरे कंट्री से यहाँ पे यूथ आते हैं और मेरी तरफ से सभी को बहुत शुभकामनाएं। और सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और डटकर चैलेंजेस का सामना करें, एक दिन जीत अपनी अवश्य होगी। पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री चंद्रधार पर पवन का शासन में शुरू होया कामा कताई रोकबा को आरोप लगाया। पूर्व विधायक पत्रकारा से बात कर रहे गुंजल ने की जहाँ सीसी रोड़ा को काम भाजपा का टाइम शुरू हो गयो छो वहाँ कताई कांग्रेस दोबारा शिलान्यास करवा रही। देर आए दुरुस्त आए, आप जैसे 32 करोड़ के नगर निगम के पैकेज को शुरू कर रहे हैं, आप 100 करोड़ के यूआईटी के पैकेज को भी शुरू करो, क्यों रोक कर बैठे? प्रहलाद गुंजल के घर के आगे सड़क नहीं बन रही या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आगे सड़क नहीं बन रही? कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के एक एक घर और गली के सामने सड़क बनाने का, सड़क और नाली का पैकेज है। डीसीएम नहर में मिले युवक के शिनाख्त होगी। मरबा वालो डीसीएम इलाका को शेखर शाक्यवाल जर जो शुक्रवार का दिन घर से गुम्बा के घर खड़ गयो जो एक बात शाम ताई घर न आयो तो घर वाला ने उद्योग नगर में उका गम्बा की रपट करवाई जिसकी लाश नहर में मल गई। शनिवार न मोर्चरी में उका शव की पहचान घर वाला ने करी। गरीब सूचना मिली थी कि डीसीएम पावर हाउस गेस्ट हाउस के पीछे नहर में कोई डेड बॉडी वो पानी में तैर रही है कि बॉडी के, तो वहाँ मौके पे पहुँचे एसडीआरएफ की मदद से उसको बाहर निकाला। तो उस टाइम अज्ञात थी, उसको यहाँ अपने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित करवा दिया। मोर्चरी में शिनाख्त तो रखा गया जिसकी रात को शिनाख्त हो गई थी। डाट देवी रोड पर देवनारायण मंदिर के नजदीक एक अज्ञात गाड़ी ने मोटरसाइकिल का टक्कर मार दी जिससे उपसवार 3 जना घायल हो गया। जगता अस्पताल में भर्ती करवाया छ जन तीना को इलाज वहां पर जारी छ। विक्रम सिंह, सरबजीत, परमजीत तीनों बाइक से श्री रामनगर में पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेर मोती पराचरण चौकी का गाँव में आ रहा था। जो प्रोग्राम में आए थे या प्रोग्राम से वापिस जा रहे थे, तो जैसे रामकृष्ण जी का मंदिर आता है डाट देवी रोड पे जाते हैं, मंदिर के आगे जाते वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, उससे गाड़ी आ रही थी, उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी। जो इनका एक्सीडेंट हुआ रात का टाइम था, मतलब 8-9 बजे का टाइम था। ये तीनों कार पे सवार थे, ये मोटरसाइकिल पे, वो कार से कार ने टक्कर मारी। हाँ, कार ने टक्कर मारी है। और उधर का रोड सर क्या है, एक बात ये है कि उधर अभी लोग जाते हैं ना जो ज्यादा, अभी उधर ड्रिंकिंग का ज्यादा है, ड्रिंक जाते हैं लोग, ड्रिंक पी के गाड़ी चलाते हैं तो ज्यादा स्पीड पकड़ के आते हैं, तो रात को ध्यान देता नहीं है। पहले भी एक दो बार ऑलरेडी हो चुका है, हमारे पड़ोस में एक लड़का था उसका भी एक्सीडेंट उस जगह में हुआ था। चोरी का गमिया लगभग 50 मोबाइल पाछा मालिका कताई दिया गया। अनंतपुरा पुलिस ने यह पहल करी छे। थाना इलाका में चोरी होया या मोबाइल पुलिस ने ट्रेस करया। जब मोबाइल को पतो लागियो तो मोबाइल मालिका कताई थाना में बलार मोबाइल सौंपा गया। मोबाइल मिलता ही मालिका का चेहरा भी खिल गया। मोड़क की 100 साल की बुजुर्ग महिला कताई उठबा बैठबा में दिक्कत थी जिको कोटा का भारत विकास परिषद में डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन करो छे। नई तकनीक से ऑपरेशन के बाद अब महिला उठ पाओगी। जी हमारी वालदा काफ़ी टाइम से बिस्तर पे थी और एक रोज़ वो उठ के
पलंग से और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद ही जाती थी, लेकिन वो गिर पड़ी तो उनके कूल्हे की हड्डी और कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, कंधे में फ्रैक्चर आ गया। तो हमने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया तो सबने ये कहा कि भाई कब तक इनको पलंग पे रखोगे, तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। और उन लोगों ने इस चीज़ की सहमति दी। हमने फिर पूरी तरह से उनकी जांच करी, हार्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम भी थी, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, हमारी एनेस्थेटिक टीम डॉक्टर सूरी, डॉक्टर रितु मेघवाल, इन मेघतवाल, इनको दिखाया। इन लोगों ने भी अच्छे से असेस करने के बाद डिसीजन लिया कि हाँ इनको ऑपरेट किया जा सकता है अगर अपन ICU बैकअप में इनको रखेंगे फिर ऑपरेशन के बाद। तो ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की दया से हमने इस ऑपरेशन को किया और मैं ऑपरेशन से संतुष्ट हूँ। भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश नेपाल में भी औरता में स्तन कैंसर की समस्या भारी पड़ रही है। शर्मा शर्मी का चक्कर में औरता बताबा सु कतराव छ और फिर या छोटी गठान कैंसर को रूप ले लो छ, पर समय रोता इको इलाज हो जाओ तो बीमारी सु बचो जा सके छ। स्तन कैंसर पर कोटा का मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी सेमिनार हुई। इस सेमिनार में देश विदेश का 250 डॉक्टर ने भाग ले नई तकनीक का बारे में जानकारी दी। एसोसिएशन ऑफ साइटोलॉजिस्ट और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और इस कॉन्फ्रेंस की मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। राजस्थान में पहली बार हो रहा है इस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। हमने ब्रेस्ट मैलिग्रेंसी इसीलिए चूज़ की है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अभी सबसे ज़्यादा कॉमन हो रही है और हम चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डॉक्टर्स को भी अवेयर करें कि आजकल क्या क्या चेंजेस हो गई है, कितनी रिसेंट ट्रीटमेंट आ गई है या निदान के लिए कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। तो इसी पर्पस को लेके हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है। जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे यहाँ स्त्रियों में बहुत कॉमन है और क्या होता है कि बहुत सारे एडवांस स्टेज में हमारे मरीज आते हैं। शुरू में झिझक रहती है कि कैसे दिखाएं डॉक्टरों को और बहुत बढ़ जाता है तब हमारे पास आते हैं। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस में हम सब मिलके ये कोशिश करेंगे कि आम पब्लिक को भी इस संबंध में जागरूक करें कि वो जल्दी से जल्दी अस्पताल में आएं, जैसे भी उनको गठान स्तन में लगता है या किसी तरह का उनका निपल में कोई डिस्चार्ज दिखता है, पानी निकलता है या खून आता है या खुजली जैसे कोई होती है, तो तुरंत अस्पताल जाएँ दिखाएँ। कॉन्फ्रेंस है ब्रेस्ट कैंसर अपडेट पैथोलॉजीज़ के लिए, पैथोलॉजिस्ट के लिए, जिसमें पूरे इंडिया से और बाहर से भी बांग्लादेश नेपाल बहुत जगह से डेलीगेट्स आए हैं, पूरे इंडिया के बेस्ट स्पीकर्स यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तो एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए काम कर रही हूँ, अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन के लिए मेडिकल कॉलेज में। तो बिकॉज इट इज़ अ रिलेटेड टॉपिक और रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट दोनों मिलकर डायग्नोस करते हैं, तो ये मेरे इंटरेस्ट का विषय, इसलिए मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। Came from Dhaka. I'm assistant professor of histopathology, and the seminar is wonderful and there about very updated information about breast malignancy is providing. And we are honored to be here at this quota in this city. बारह में यातायात नियम तोड़वा वाला का ताई पुलिस जवान और यातायात कर्मियों ने गुलाब को पुष्प देर नियमा की पालन करवा की अपील करी। बारह में 31वां सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है, 7 दिन ताई शहर वासियों के ताई यातायात का नियम समझाया जाऊगा। 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। आज हमने रैली निकाल करके आमजन को सभी को संदेश दिया है और फूल वितरित करके वाहन चालकों को फूल दे करके उनको समझाइश की है कि आप हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। इसी तरह ये पूरे हफ्ते तक कार्यक्रम चलता रहेगा। सिविल डिफेंस का स्वयं सेवका ना नियमित करवा की मांग कर लेकर जिला कलेक्टर का तय ज्ञापन सौंपियो। स्वयं सेवका की मांग छ वाना प्रशिक्षण ले लियो विभाग की आड़ी सु सबका तय नियमित करवा का फार्म भी भरवाया गया छ, पर उनका बाद का ही न हो। नियमित हो जाओ छ तो रोजगार मिल जाओगो और रोजी रोटी को जुगाड़ भी हो जाओगो। यहाँ पर प्रशिक्षण कार्य चला था, सारा काम सर कलेक्टर साहब की आंखों के सामने हुआ था। इस संदर्भ में सर हमने बहुत सी बार ज्ञापन दे दिए पर उनपे सर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी हमने ADM साहब को भी ज्ञापन दिया पर हमें पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। आचार संहिता का सर नाम लेके ये बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और सर अगर आचार संहिता सर लग रही है तो अभी विज्ञप्ति जारी हुई थी सर तहसील स्तर पर, तो सर वो कैसे जारी होगी सर? हम यही चाहते हैं कि आप गर्भवती महिला की तबियत बगड़वा पर उकता 108 एम्बुलेंस सुबारा का अस्पताल में ले रहा था। इस दौरान गर्भवती का दर्द हो तो एम्बुलेंस स्टाफ ने उकी पीड़ा समझता हुआ उको प्रसव करायो। गर्भवती महिला को स्टाफ ने सुरक्षित प्रसव करायो, महिला ने एक नन्नी सी बच्ची का ताई जन्म दियो। दुनिया को स्वास्थ्य ठीक छे और बार अस्पताल में भर्ती करवायो गयो। परिजनों एम्बुलेंस वाला का ताई धन्यवाद दियो छे।
चाइना को मंजो बेजुबाना की जिंदगी पर कहर ढार्यो छ। मामलो बारा को चेपा बड़ोत को छ, जहां चाइना का मंजा में उलझ रहा एक कबूतर की जान जाती जाती बची। वन विभाग का पैरिया की नजर कबूतर पर पड़ी तो वाना कबूतर कताई कड़ी मशक्कत का बाद उतारियो और उकी जान बचाई। पतंगबाजी का चक्कर में पक्षियों की जान पर आफत आ रही छ। तो ये छे वार्ता की खबर। अब दीजो मन विदा, नमस्कार।